कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा, पायलट के समर्थन में नारेबाजी, क्या कहा पायलट के समर्थकों ने। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर इस समय सबसे ज्यादा राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ जहां पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे पहले सामने आ रहा था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सचिन पायलट के समर्थक पायलट को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। लेकिन अब गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। इस बीच सचिन पायलट के समर्थक नई दिल्ली स्थित AICC दफ्तर पहुंचे। उन्होंने मांग रखी कि पायलट को या तो पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए या फिर राजस्थान का सीएम नियुक्त किया जाए। इस दौरान जैसे ही राज्य के सीएम अशोक गहलोत पार्टी दफ्तर पहुंचे, तो समर्थकों ने देखकर पायलट के पक्ष में नारेबाजी करने लग गए। देखिए AICC ऑफिस के बाहर सचिन पायलट के बारे में समर्थकों ने कैसे नारे लगाई। बता दें कि सचिन पायलट के समर्थकों ने कहा कि हम सचिन पायलट को राजस्थान के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। ये हमारी मांग है। अगर कांग्रेस में जमीनी नेता उत्पन्न नहीं होंगे तो कांग्रेस का ही ये बंटाधार होता रहेगा। समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी भी यंग हैं, भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है। जब तक किसी युवा को टॉप पोस्ट नहीं मिलेगी, तब तक कांग्रेस को पावर नहीं मिलेगी। पायलट को जमीनी स्तर की समस्याओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के हालातों के बारे में जानकारी है। हम उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग करते हैं। जाहिर है कि गुरुवार को पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और राजस्थान के राजनीतिक संकटों के बारे में जानकारी दी। पायलट ने इस मुलाकात के बाद बताया कि उन्होंने राजस्थान की राजनीति को लेकर सोनिया गांधी के सामने सारे हालात रखे और उन्हीं को राजस्थान के मामले में अब अंतिम फैसला लेना है। तो वहीं से पहले बीते दिन गहलोत ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और कुछ स्थिति उनके समर्थकों के कारण राजस्थान में पैदा हुई उसके लिए माफी मांगी। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि अब वह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजस्थान का सीएम बने रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये फैसला कांग्रेस आलाकमान को ही करना है। जो भी हो, राजस्थान में सीएम पद को लेकर अब राजनीति छिड़ी हुई है। कांग्रेस आलाकमान के आगे दोहरी परेशानी है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव और दूसरी तरफ राजस्थान सीएम की कुर्सी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।